अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे पता है कि मेरा ये व्लॉग बहुत लेट हो गया है, जो कि मैंने रमज़ान में बनाया था और अब अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मसरूफियात थी, काम का कुछ ऐसा प्रेशर था कि जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस सारा दिन काम काम और रात को जल्दी सो जाता था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग देखेंगे और आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। सैरी शैरी करने के लिए रुके हैं स्टॉप पे और इंशाल्लाह सैरी करके फिर आगे निकलेंगे। मामा व्लॉग भी तो बात नाल नाल है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से मदीने के बाजार और ये सामने मस्जिद नबवी, ठीक है ना जी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आज हम टाइमली मदीना अलहमदुल्ला पहुंच गए थे और अल्लाह फुल ख़राब है। अभी रोज़ अफ्तार करेंगे, असर की नमाज़ पढ़ी है, फिर अफ्तार करेंगे। अफ्तार करने के बाद सारी रात इबादत की है, क्योंकि ताक रातें हैं, इबादत करेंगे इंशाल्लाह। कल की हमारी वापसी है, कल रात की। इंशाल्लाह अभी आपको रोज़ा रसूल भी दिखाते हैं। हम भी अभी जा रहे हैं, बस रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। आप सबके लिए बहुत दुआएं की हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए। अल्लाह सबको ये जगह दिखाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मदीना में बहुत सुकून है माशाल्लाह, बहुत सुकून है। माशाल्लाह से जी हुजूर तकसीम कर रहे हैं, सवाब कमा रहे हैं, आप सब के लिए दुआ कर रहे हैं। आगे आगे देते जाएं भाई। सारे इधर पाकिस्तानी, सूडानी, जितने भी आवां के बंगाली भाई, इंडियन, सब माशाल्लाह से बैठे हैं रोज़ा खोलने के लिए। और बड़ा सुकून, बहुत सुकून है। आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी तो यहाँ से शायद प्रॉपर नज़र ना आए, लेकिन अगर आप देख सकें तो
ये देखिए ये रोज़ा रसूल माशाल्लाह। लेकिन अभी करीब से जाके इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। हाँ डिफरेंट ये मस्जिदें हैं, डिफरेंट उससे रिलेटेड कि एक मस्जिद में जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के लिए दुआ करते थे। आगे ये मस्जिद अली है, अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये है जी हमारा अफ्तार माशाल्लाह। और हम मस्जिद नबी में बैठे हैं बाहर। क्या हम आज का अपना अफ्तार करेंगे? بس بالله جيب لي كرتون هنا كرتون. ايوه بسم الله ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अनीस भाई मुझसे मिल गए थे जो कि मेरे पाकिस्तान के दोस्त थे। और क्योंकि अभी मैं बहरीन से आया था ये पाकिस्तान से आया था, लेकिन आजकल आपको पता है इंटरनेट का दौर पता चल रहा था एक दूसरे को स्नैप वगैरह से कि ये भी मदीना में और मैं भी। अचानक हमारी मुलाकात हुई और जब कोई आपको 2 साल आपके देश में हो और आपको कोई अपना दोस्त मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह से जी आज का हमारा अफ्तारी बल्कि सहरी का स्टॉप ये रेस्टोरेंट है और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने मदीना में माशाल्लाह से। चेक करें हम सईद खान ने इंटीरियर बड़ा कमाल डिजाइन किया हुआ है। जो पहले आ चुके हैं वो कहते हैं कि खाना इनका बहुत जबरदस्त है, लेकिन अब चेक करेंगे कि खाना कैसा है।
أشهد أن محمد قبرستان اور فجر کی نماز پڑھی ہے اور اس ٹائم جنت البقیع اوپن ہوتی ہے فجر کے وقت ہوتی ہے اور اس کے بعد رات میں مے بھی ہم رات میں واپس نکل جائیں تو پھر اس لیے اسی وقت بہت سے صحابہ اکرام اہل بیت کی قبریں موجود ہیں ماشاءاللہ سامنے روضہ رسول ہے یہ قبرستان ہے یہ سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ احد کا پہاڑ ہے یہ احد کا پہاڑ ہے جو ہم نے جنگ احد سنی ہے یہ وہ پہاڑ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ روضہ رسول ابھی ہم سب ابھی اندر جا رہے ہیں ماشاءاللہ کیا منظر ہے سبحان اللہ سید خان ماشاءاللہ سے جی تیاری ہو گئی ہے واپسی کی ابھی بحرین کے لیے واپسی نکلیں گے تقریباً 1500 کلومیٹر ہے یہاں سے دور کل صبح کے 12-1 بجے جا کے پہنچیں گے بہت زبردست ٹرپ رہا جتنا بیان کر سکتے ہیں کام کتنا خوبصورت ہمارا یہ ٹرپ رہا ماشاء اللہ سے اور انشاءاللہ ابھی مدینے کا سفر بھی ختم اور نیکسٹ آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم نکلیں گے بحرین کے لیے انشاءاللہ تو اگر آپ کو بلاگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب تھینک یو